तो देखो गाइज, इसके लिए जो सिंपल से VN ऐप को ओपन कर लेना है। यहाँ पर ओपन कर लेने के बाद यहाँ से कोई भी अपने आर्ट फोटो को ऐड कर लेना है। यहाँ पर ऐड कर लेने के बाद जो भी इंस्टाग्राम रील्स का रेशियो होता है उसको यहाँ से कर लेना है, ठीक है। एंड इतना कर लेने के बाद देख सकते हो यहाँ पे हो जाएगा। एंड उसके बाद ऑडियो को आपको ऐड कर लेना है। इस ऑडियो का जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हो, या तो फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा आपको, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एंड यहाँ से जो अपने बीट को ऐड कर लेना है, इस झंडे वाले पे आपको क्लिक करके बीट को ऐड कर लेना है। हम यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, देख सकते हो यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। यानी हमारा जो यहाँ पे बीट ऐड है देख सकते हो, तो हम इसको यहाँ से साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। एंड इतने कर लेने के बाद जितना भी जहाँ जहाँ हमारा बीट है ना, उतना तक आपको सबसे पहले फ़ोटोज़ को कर लेना है। यहाँ तक कर लेने के बाद ये जो हमारा सेकेंड बीट है आपको यहाँ से इतना रखना है। एंड ये जो है इसको आपको सेकेंड बीट तक रखना है, इसको थर्ड बीट तक आपको सभी फ़ोटो को कुछ इसी प्रकार से कर लेना, ठीक है। तो हम फटाक से कर लेते हैं। एंड इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है कि फर्स्ट वाले पे क्लिक करके यहाँ से एफएक्स पे क्लिक करके जाइडल एफएक्स का जो नाम है उसको यहाँ से अप्लाई कर लेना है, ठीक है। एंड नीचे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करके सारे फ़ोटो में आपको इसको अप्लाई कर लेना है। एंड उसके बाद क्या करना है कि फर्स्ट वाले में जो उस एफएक्स को नहीं रखना, तो इसके लिए एफएक्स पे क्लिक करना है। एंड यहाँ से नॉन पे क्लिक करके ये साइन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देन इतना कर लेने के बाद आपको जो फर्स्ट वाले में एक इफेक्ट को रखना है, तो क्या करना है कि इधर आपको स्क्रॉल करना है, इधर से आपको एक जूम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। एंड यहाँ से जूम आउट पे क्लिक करके इसको रख लेना, ठीक है। एंड इतना कर लेने के बाद आपको करना ये कि यहाँ से अपने टेक्स्ट को ऐड कर लेना है। आप चाहेंगे तो यहाँ से टेक्स्ट का फ्रंट वगैरह जो भी चाहें यहाँ से आप रख सकते हैं। एंड यहाँ से आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे क्या करना है कि टेक्स्ट को ऐड करना है, ठीक है। एंड यहाँ से कलर वगैरह जो भी चाहते हो यहाँ से बदल सकते हो, तो हम इसको यहाँ पे जिधर चाहें उधर रख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। एंड इतना कर लेने के बाद जितना फर्स्ट वाला फ़ोटो उतना आपको रख लेना है। देख सकते हो यहाँ पे जो कुछ इस प्रकार से हमारा वीडियो बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। तो इसको जो डाउनलोड करने के लिए सिंपल से इस ब्लू वाले आइकन पे क्लिक करके वीडियो को डाउनलोड कर लेना।